तो कुंभ लगन में शुक्रदेव का फल, भाग्य का मालिक, त्रिकोण का मालिक, केंद्र का मालिक, सुख का मालिक, वाहन का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक शुक्रदेव इस कुंडली में बनते हैं। योग कर ग्रह आपकी कुंडली में सभी 12 भाव में कैसा फल देंगे? कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र आपका सुख का मालिक, वाहन, प्रॉपर्टी और भाग्य, धर्म और आपके विदेश भ्रमण का कारक ग्रह शुक्रदेव बनते हैं। शुक्र मनी का कारक है, धन, लग्जरी, वाहन, विदेश का भी कारक, होटल्स में घूमने का कारक भी शुक्रदेव बनते हैं। सभी 12 भाव में शुक्रदेव योग कारक ग्रह आपको कैसा फल देंगे? लग्न में होंगे तो धन भाव में उच्च का होंगे तो, पराक्रम भाव में होंगे तो, सुख भाव में स्वग्रह मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हैं तो कैसा फल देंगे? सभी 12 भाव में शुक्रदेव का फल सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका रत्न धारण करने से आपको सारे सुख सुविधाएं मिलते हैं। कुंभ लगन वाले शुक्र का हीरा गोपल रत्न धारण करें। छठे भाव में, अष्टम भाव में, बारहवें भाव में आपकी स्थिति के अनुसार ही आपको रत्न धारण करना है। साथ में क्या उपाय करना है वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी चीज़ें अच्छे से सुनोगे, अच्छे से जानोगे, तभी आपको अपनी कुंडली के बारे में समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी लॉजिक सिर्फ लॉजिक वाली बातें बताता है। शुक्रदेव लगन में है, अगर आपके कुंभ लगन की कुंडली में लग्न में शुक्रदेव त्रिकोण का मालिक, केंद्र का मालिक, केंद्र में आ जाने से सबसे बड़ा राजयोग ग्रह बन गया। जन्मजात ऐसे लोगों को राजा के समान जीवन मिलता है। शुक्र की बस डिग्री देखना जरूरी है। शुक्र 0 से 10 डिग्री के अंदर तो नहीं है, कहीं मृत अवस्था 25 से 30 डिग्री की अवस्था में तो नहीं है। शुक्र कहीं राहु केतु से पीड़ित तो नहीं है, कहीं शुक्र सूर्य से अस्त तो नहीं है। अगर ये सारी अवस्था नहीं हुई तो शुक्र आपको राजयोग ग्रह बन जाएगा। लग्न के अंदर राजाओं का समान जीवन देगा। जन्मजात उसके जीवन में लग्जरी होगी, लाइफ में उसके कोई चीज़ की कमी नहीं रही होगी। अगर उसके कमी है तो वो सारी जल्द पूरी हो जाएगी। 25 साल की उम्र में उसको सब सुख सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएगी। जल्दी उसकी जॉब लगेगी, सारी चीज़ों को वो जितना जल्दी हासिल करेगा, बहुत जल्दी हासिल करेगा। हर सुख सुविधा उसको 25 से 30 साल की उम्र में सारी लग्जरी की सुविधा मिल जाएगी। वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नेम फेम सब चीज़ें उसके योग कारक ग्रह लग्न में बैठ के आपको सारी चीज़ें जरूर दिलाएगा। बात करते हैं शुक्रदेव अगर उच्च का होकर दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा फल देगा। धन भाव में शुक्रदेव का फल होने से आपको कैसा फल मिलेगा, वो भी मीन राशि उच्च का शुक्रदेव आपको। दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में उच्च का होकर सामान्य शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, धन संग्रह की महान शक्ति प्राप्त करेगा। भाग्य का मालिक परिवार भाव में आने से परिवार का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का मालिक धन भाव में आने से भाग्य से धन का अधिकार मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी। सुख का मालिक यहाँ से 11वां होकर लाभ हो गया तो मतलब परिवार का सुख मिलेगा, परिवार से लाभ होगा, वाहन, प्रॉपर्टी सब चीज़ें आपको आसानी से मिलेगी। शुक्रदेव यहाँ पर बंधन से थोड़े काम करते हैं। सुख में थोड़ा बंधन जरूर रहेगा, प्रतंत्रता जरूर रहेगी, लेकिन लाड प्यार सबसे मिलेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पिताजी से या आपके बड़े भाई बहन से थोड़ा सा बंदिश में जरूर रहना पड़ेगा 20 साल की उम्र तक, बाद में कोई दिक्कत समस्याएं नहीं है। बात करेंगे शुक्रदेव अगर आपके तीसरे घर में हो पराक्रम भाव में तो कैसा फल देंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। अगर पेड एनालिसिस लेना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो देखिए, तीसरे मेष राशि में शुक्रदेव का फल, तीसरे भाई हैं पराक्रम स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, भाई बहन के स्थान में सुख सौभाग्य प्राप्त करेगा। सुख का मालिक अपने से 12वां हो गया है तो विदेश यात्राओं के भी योग बनते हैं, तरह तरह की यात्राएं बहुत करेगा, अपने घर से दूर स्थान जाकर रहने के योग बनेंगे, सुख के भी योग बनेंगे, बहुत मेहनत से अपना भाग्य जरूर चमकाएगा। यहाँ से शुक्रदेव आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। मेहनत करके खूब धन अर्जित करेगा, हर कार्य को अपने मेहनत से संपूर्ण करेगा, कार्य को भाग्य उसका चमक उठेगा। 30 साल की उम्र के बाद कोई भी तरह की दिक्कत समस्याएं नहीं रहेगी। बस शर्त होना चाहिए शुक्र अस्त ना हो, शुक्र आपका मृत या 0 डिग्री से 5 डिग्री की अवस्था में ना हो, नहीं तो शुक्र आपका मृत अवस्था में होता है और आपको कोई फल नहीं देता है। यहाँ पर शुक्रदेव अगर चौथे भाव में स्वग्रही होकर मालव्य राजयोग बनाए तो 4 चीज़ें ध्यान रखना।
शुक्र केतु की युति नहीं होनी चाहिए, शुक्र राहु की युति नहीं होनी चाहिए, शुक्र सूर्य से अस्त ना हो, शुक्र की डिग्री मजबूत होनी चाहिए, आपको मालव्य राजयोग का फल मिलेगा। हर तरह से सुख सुविधाएं, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी, हर तरह से जॉब में प्रमोशन, सरकारी नौकरी के योग, जनता से सहयोग, हर तरह से शुक्रदेव आपको मालामाल करेंगे। 25 से लेकर 35 साल की उम्र में शुक्र आपका प्रभावकारी रहेगा और हर तरह से आपको फायदा कराएगा। मिथुन राशि में शुक्रदेव का फल, तीसरे आपके पंचम भाव में शुक्रदेव का फल आपको कैसा मिलेगा देखिए दोस्तों। पांचवे त्रिकोण विद्या संतान स्थान में मित्र बुद्ध की राशि पर बैठा विद्या बुद्धि का महान सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। संतान पक्ष से बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा, संतान से लाभ होगा, बुद्धि योग द्वारा उत्तम धर्म पालन करेगा। बुद्धि से अपनी विद्या से आप विदेश पढ़ने जाओगे, विदेश में अच्छी पढ़ाई करेगा, नौकरी हायर स्टडी के लिए बाहर जाएगा, नौकरी हासिल करेगा, विदेश में नौकरी हासिल करेगा। प्रेम आपको हर तरह से प्रेम मिलेगा, लव पार्टनर से काफ़ी प्रेम मिलेगा, लव पार्टनर से शादी होने के योग भी बनते हैं। आपको हर तरह से सुख सुविधाएं जरूर मिलेगी पंचम भाव, क्योंकि त्रिकोण का मालिक भाग्य का मालिक भाग्य में बैठ गया, भावात भावत नियम से नवम का मालिक अपने से नवम होकर बैठा है और ज़्यादा लाभकारी हो गया आपको। सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जिस कार्य में हाथ डालोगे शुक्र अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में आपको प्रचुर मात्रा में लाभ जरूर कराएगा। बात करते हैं शुक्रदेव कर्क राशि का छठे भाव में। यहाँ शुक्र थोड़ा पीड़ित हो जाता है, एक तो आपका यहाँ से तीसरा हो गया, यहाँ से यह दसवां हो गया। मेहनत करने पर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन शुक्र शत्रुओं से पीड़ित रहेगा, शत्रु काफ़ी परेशान करेंगे, कर्ज आपको परेशान कर सकता है, पैसा होते हुए भी आपके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज लगा रहेगा, दिक्कत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव का फल। शुक्र का फल आपका सप्तम भाव में, सातवें केंद्र स्थित और रोजगार के स्थान में शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर बैठा, तो स्त्री पक्ष में कुछ थोड़ी सी नीरसता के साथ सुख और सफलता प्राप्त करेगा। रोजगार के पक्ष में कुछ थोड़ा परिश्रम के योग से उन्नति और सुख प्राप्त करेगा। माता का सहयोग पाएगा। भूमि और मकान आदि के रहने के स्थान में सुख और सुंदरता रहेगी। गृहस्थ के अंदर बड़ा सुंदर आमोद प्रमोद का ढंग रहेगा। जीवन साथी काफ़ी अच्छा मिलेगा। जीवन संगनी के साथ सुख का आनंद पाएगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने, विदेश यात्रा करने जाएगा। हर तरह की सुख सुविधाएं शुक्रदेव आपको यहाँ पर शादी के बाद प्रचुर मात्रा में लाभ कराएंगे। बात करते हैं शुक्रदेव अष्टम भाव में और कन्या राशि के नीच के शुक्रदेव आपको कैसा फल देंगे। आठवें आयु मृत्यु पुरातत्व स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा, तो भाग्य के संबंध में महान कमजोरी प्राप्त होगी। सुख का मालिक अष्टम भाव गड्ढे में गिर गया है, तो माता को कष्ट, वाहन लेते हुए ध्यान रखना है, वाहन चलाते हुए ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं लेनी है, हर तरह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो सकती है, क्योंकि सुख का मालिक गड्ढे में आ गया। अष्टम भाव एक गड्ढा है, गुप्त ज्ञान जरूर देगा आपको, गुप्त धन जरूर दिलाएगा, क्योंकि गुप्त धन आपको पता है किस में मिलता है, गड्ढे में ही मिलता है, गुप्त धन गड्ढे में मिलता है। मरने के बाद किसी किसी को अगर दफनाया जाता है वो भी गड्ढे में दफनाया जाता है, और ये मृत्यु का भाव है, ससुराल का भाव है, तो इंसान को यहाँ पर शुक्रदेव गड्ढे में आ जाने से आपको काफ़ी कष्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपके ऊपर कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हो जाएगी और आपको काफ़ी कष्ट झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव अगर आपके नवम भाव में स्वय राशि होकर बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। देखिए शुक्रदेव अगर आपके स्वय राशि होकर बैठे हैं, नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वय क्षेत्रीय होकर बैठे, तो भाग्य की महान शक्ति प्राप्त करेगा। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही बैठा है, स्वय ग्रह ही बैठा है, तो और ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। शुक्र यहाँ पर डिग्री वाइज मजबूत हो, राहु केतु शनि से या सूर्य से पीड़ित न हो, सूर्य से अस्त न हो, तो आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। हर तरह से आपको सौभाग्य प्राप्त करेगा, सौभाग्य का योग प्राप्त होगा, सौभाग्य मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव दशम भाव में वृश्चिक राशि का होने पर क्या फल मिलेंगे आपको। दशम पिताएं और राज्य स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, भाग्य का प्रबल शक्ति के द्वारा पिता के स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। घर का कारोबार हासिल करेगा, घर के कारोबार को काफ़ी आगे लेके जाएगा। अपने यहाँ से सातवें घर से, सातवीं दृष्टि से अपने ही स्वयंग्रही घर को देख रहे हैं, तो वाहन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, तरह तरह के वाहन और प्रॉपर्टी बनाएगा, खूब धन अर्जित करेगा। शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। जिंदगी के असली लग्जरी को शुक्र की महादशा अंतरदशा में जरूर जिएगा। बात करते हैं लाभ भाव में शुक्रदेव तो कैसा फल मिलेगा। ग्यारहवें लाभ स्थान में सामान्य
शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है भाग्य की उत्तम शक्ति पाएगा। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो लाभ जरूर दिलाता है। शुक्र लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहा है तो प्रचुर मात्रा में लाभ कराएगा। जिस कार्य में हाथ डालेगा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में भाग्य का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, हर तरह से आपको शुक्र लाभ जरूर कराएगा। जब भी लाभ भाव में कोई ग्रह बैठता है वो लाभ जरूर कराता है। बात करते हैं आपके मकर राशि में शुक्रदेव हो तो कैसा फल मिलेगा। देखिए अगर 12वें घर में शुक्रदेव हो तो विदेश से लाभ कराएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ कराएगा, भाग्य वहाँ साथ देगा, लेकिन खर्चा काफ़ी अधिक करेगा। खर्च करेगा तो आपका जीवन आप काफ़ी अच्छा चलेगा। परोपकार में खर्च करोगे खूब लाभ होगा। परोपकार में खर्चा करने से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होगा। हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। शुक्रदेव यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यू को लेकर पीड़ित हो सकता है। आपके स्वास्थ्य संबंधी आप परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत समस्या हो सकती है। जब आपको घर से अपने जन्म स्थान से दूर रहना है तभी आपको फायदा होगा। जन्म स्थान से दूर रहोगे तभी आपको ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पेड एनालिसिस के लिए आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।